तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ये जो टेक्सस बी ए टू प्लस इंस्ट्रूमेंट है इसमें डेट फंक्शन का क्या यूज है। आप देखिए ये जो नंबर वन जो है, ये जो नंबर वन जो है, ये नंबर वन के ऊपर में आप देखेंगे डेट लिखा हुआ है, राइट। सो बेसिकली नंबर वन के ऊपर में जो डेट लिखा हुआ है, आप सेकेंड और वन जब आप प्रेस करोगे तो अभी देखिए यहां पर आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये है आपका मंथ डे एंड ईयर फॉर्मेट है, राइट। क्योंकि यहां पर यूएस का फॉर्मेट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यूएस है कि यूके है। सो उसके लिए मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, सेकेंड फॉर्मेट में जब आप जाएंगे और जब आप नीचे जाएंगे तो यूएस का फॉर्मेट है। बेसिकली दिस इज MMDDYYYY फॉर्मेट, ओके। सो बेसिकली अभी हम लोग सेकेंड में जाके डेट में जाएंगे। तो यहां पर मान लीजिए मैं एक डेट एंटर करता हूँ, डेट एंटर करने का तरीका देखिएगा। मान लेते हैं आज का डेट है आपका 17th of July, ठीक है ना। सो मैं एंटर करूंगा 17th July, देखिए हम लोग का डेट है 17 July 2024, ठीक है ना। तो हम मैं एंटर करूंगा 07.07.1724, ओके। सो देखते हैं, चलिए आइए 07.1724 एंटर। तो आप समझे, बेसिकली आपका मंथ हो गया यहां पर, आपका जो यहां पर मंथ हो गया है दैट इज योर जुलाई, डेट हो गया है आपका 17 एंड आपका ईयर हो गया 2024, ये डेट वन हो गया। अगर आप डेट टू की बात करें तो मान लेते मैं यहां पर डालता हूं ईयर एंड, तो ईयर एंड आपका आएगा 31/12/2024। तो इसको एंटर करने के लिए मैं क्या करूंगा, 12.3124, ओके। सो मैं एंटर करता हूं 12.3124, सो ये मैंने एंटर किया तो ये भी हमारा एंटर हो गया। अब उसके बाद में DBD, दोनों डेट्स के बीच में कितने डेज हैं, डेज बिटवीन डेट्स, ओके। सो बेसिकली मैं यहां पर जब कंप्यूट करूंगा तो बेसिकली ईयर एंड में, आज से ईयर एंड में देर आर 167 डेज, ओके, देर आर 167 डेज। नीचे चलते हैं, ये अभी एक्चुअल बेसिस में था, अगर मैं सेकेंड दबा के एंटर दबाता हूं सो यहां पर आ रहा है 360। सो ये क्या अज्यूम करता है, ये एक्चुअल बेसिस में था, ये हमारा जो था ये एक्चुअल बेसिस में था। 360 क्या मानता है, इन वन ईयर देर आर 360 डेज, ओके, एंड इन वन मंथ देर आर 30 डेज, ओके। सो अगर मैं इसको एंटर कर दूं और अगर मैं ऊपर जाऊं और अगर मैं कंप्यूट दबाऊं तो देखिए ये चेंज हो गया, क्योंकि अगर मैं 360 के बेसिस में जाऊंगा तो ये आ रहा है। अब फिर अगर मैं नीचे गया, मैं इसको सेकंड एंटर प्रेस करके इसको सेट किया और अगर मैं मान लीजिए ऊपर जाके कंप्यूट दबाया तो फिर से चेंज हो गया, ठीक है ना। सो थैंक यू, ये आपको बॉन्ड में काम आ सकता है।